अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। AFNS लेटेस्ट टेस्ट MCQs 17 अगस्त 2023, वीडियो 3। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप देख सकती हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिल नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स इज डैश। राइट आंसर, सेंट्रियोल। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइट आंसर, राइबोसोम्स। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एडवर्स इज, एडवर्स की उर्दू मीनिंग होती है उल्टा, मुखालिफ या नुकसानदेह। तो इसके सिनोनिम्स अनफेवरेबल, नेगेटिव, होस्टाइल या डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट, सेल वॉल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ अ डैश, पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर एंड एन आउटर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ फैसिनेटिंग इज, तो फैसिनेटिंग की जो उर्दू मीनिंग है वो होती है दम करना, जादू करना या कशिश से काम करना। इसके सिनोनिम्स हैं कैरिस्मेटिक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इंटरेस्टिंग या कंपेलिंग। ओके, नेक्स्ट, फंजाई दैट कांट लिव विदाउट अ होस्ट आर कॉल्ड डैश, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 मोलर एचसीएल इज डैश। 3. नेक्स्ट, व्हाट फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड मैटर, सेप्रो ट्रॉपिक फंजाई, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। राइट आंसर, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम +1। नेक्स्ट, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप से कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो वो हाइड्रोजन एंड हीलियम बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस में आपको जो भी गिवेन हो, हाइड्रोजन या हीलियम, वो आप राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, What is removal of thyroid called? Thyroid या thyroid gland? Right answer, thyroidectomy. Next, heme group contains and dash iron atom. Next, synonym of embellished is dash. तो एम्बेलिश्ड की जो उर्दू मीनिंग है वो है सजाना, संवारना या हसीन बनाना। तो सिनोनिम्स एग्जेजरेट, इनहेंस, पैड, डेकोरेट या एलोब्रेट। नेक्स्ट, एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन डैश। राइट आंसर, एस्कस। नेक्स्ट, पेप्सिन इज डैश, तो पेप्सिन क्या है, स्टमक एंजाइम, पेप्सिन इज स्टमक एंजाइम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन इवेंट दैट हैपेंस ड्यूरिंग द पेक्टिन ऑफ मियोसिस 1। राइट आंसर, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। राइट आंसर, एनर्जी डेंसिटी। ओके, इससे पहले जो है ना, 2 वीडियोस जो के, जैसे कि आज 17 अगस्त थी, तो उससे रिलेटेड आपके साथ MCQs शेयर किए जा रहे हैं। जो MCQs यानी आज के दिन डिफरेंट सेंटर्स में रिपीट हुई हैं, और जो कि मैं पहले 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ MCQs, वो MCQs आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो है डिफरेंट MCQs आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, और इससे पहले जो 2 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं उनमें डिफरेंट MCQs थे। ओके, नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है कौन से एलिमेंट की हाई होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ना वो है फ्लोरीन। ओके, वहाँ आपको इसी तरह ऑप्शंस गिवन थे, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ट्रेंड याद होना चाहिए, इसका ट्रेंड क्या है, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और ग्रुप में बॉटम टू टॉप यानी ऊपर जाती हुई है जो है वो इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है। और दूसरा आपको एलिमेंट्स का पता होगा तो फिर आप अगर ऑप्शंस भी आ जाते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अब पोलराइज तो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो पोलराइज हो सकती हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज बट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो पोलराइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शंस में वहाँ आपको जो गिवन थे साउंड वेव्स लाइट वेव्स इस तरह गिवन थे, तो जो लाइट वेव है वो है ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है, जबकि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। तो राइट आंसर है लाइट वेव्स। ओके ओके, तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ यानी एमसीक्यू शेयर किए गए थे जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज थे डिफरेंट सेंटर्स से, डिफरेंट सेंटर में ये एमसीक्यूज आए हैं। और इससे पहले जो टू वीडियोस अपलोड हुई हैं वो भी आप लाजमी वॉच कीजिए, और अगर आप वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोस वॉच करना चाहती हैं तो उनका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी देख सकती हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।